इस मौसी के साथ आज इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, आपको आगे अब इसके बाद सो हे गाइस हम तैयार हो चुके हैं, मेरे को जाना है बस वहाँ से ऑटो या बस। गाइस नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे आप सब? आई होप सो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देहरादून आए हैं अपनी दीदी के यहाँ, और मेरा भाई तो सो रहा है क्योंकि वो अपना मुंह ब्लॉग में दिखाना नहीं चाहता। और एक हलवाई हमारे साथ लगी है जो कि पराठा तैयार है, पराठा बना रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी कुकमैन तैयार है बनाने को, और हम खाने के लिए भी रेडी हो गए हैं। अभी पहला पराठा बना जो कि प्रियांशु को मिल चुका है। ये देखो दोस्तों, मेरे भाई पे क्या लगा हुआ है। देखो दोस्तों, गर्मा गर्म पराठे और मेरे पराठे खाली आलू के नहीं है, इसमें बहुत सारा मिक्स करके बना रहे हैं। और मेरी मम्मी पराठा खाने के लिए बहुत बेताब हो चुकी है। नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे आप सब? आई होप एकदम बढ़िया होंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल थप लियर फैमिली ब्लॉग में। तो होगी एक नए दिन की खूबसूरत सी सुबह की शुरुआत, बट अभी का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से। तो अभी शाम के हो रहे 5, एक्चुअली सुबह से टाइम नहीं लग पाया क्योंकि ऑफिस का थोड़ा बहुत काम था, इस रीज़न से ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। और जैसे सुबह मेरी बहन ने वीडियो शूट किया था थोड़ा बहुत, उस टाइम हम नाश्ता कर रहे थे, उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकल गई हूँ। और आजकल हमारे यहाँ पर मेरी मौसी लोग आए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, उसके बाद आप लोगों को बाकी का व्लॉग दिखाती हूँ आगे। सो हे गाइस, हम तैयार हो चुके हैं मार्केट जाने के लिए। अरे ये देखो तैयारी हो रही है, यहाँ मैंने सफाई कर रखी, ये लोग जूते अंदर ला रहे, इस सफाई मैंने की आज। तो चलते हैं मार्केट की तरफ। तो फाइनली अभी हम लोग रिक्शा में बैठ गए हैं, इसके बाद आप लोग को जाना है बस वहाँ से ऑटो या बस जो भी मिलेगा। हम लोग जा रहे हैं अभी पैसिफिक मॉल, क्योंकि मेरी मौसी को फर्स्ट टाइम पिज्जा खाना है, इसलिए इतनी दूर से हम लोग पैसिफिक मॉल जा रहे हैं। तो अब हम बस में बैठ चुके हैं और अभी मॉल की तरफ जा रहे हैं। फाइनली 1 घंटे बाद हम लोग पहुंच गए पैसिफिक मॉल में, ये लोग बहुत थक गए हैं। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम मॉल में, फाइनली अभी हम लोग पहुंच गए हैं मॉल के अंदर, जो कि मौसी अभी गिर गई थी। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे पिज़्ज़ा खाने के लिए, वैसे थोड़ा बहुत घूमेंगे उसके बाद तो देखते हैं आगे। और हम लोग पूरा 1 घंटे के बाद आए, और मेरी मौसी बोली अभी तक हम लोग रुद्रप्रयाग पहुँच जाते हैं 1 घंटे में, जितना हम लोग आईएसबीटी से यहाँ के लिए। तो फाइनली गाइस हम लोग आ गए पिज़्ज़ा खाने के लिए, और पीछे देख सकते हैं आप डोमिनोज, हम लोग डोमिनोज स्पेशली सिर्फ मौसी की वजह से आए क्योंकि मौसी को आज हम लोग फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा टेस्ट करवाना है, और गुप्त काशी से उसे पिज़्ज़ा खाना हाँ गुप्त काशी से उसे पिज़्ज़ा खाने के लिए आए हैं। और आप देख सकते हैं अभी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और मौसी यहाँ पर पिज़्ज़ा का वेट कर रही है, कब मेरा पिज़्ज़ा मिले, कब मैं खाऊँ। तो अब हम लोग वेट करते हैं 10 से 15 मिनट, उसके बाद पिज़्ज़ा आएगा तो तब खाएंगे, फिर मौसी का रिएक्शन बताते हैं कैसा, मतलब उनका टेस्ट अच्छा लगता नहीं लगता। ये भी वेट करने में लगी हुई है, पिज़्ज़ा का वेट कर रही है, फिर निकलते हैं थोड़ी देर में, और लेट भी हमें इतना ज़्यादा हो गया हम लोग। गाइस फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है, और सब बहुत बेताब है खाने के लिए। मूवी दिखा, अब टेस्ट करके पता चलेगा कैसे हो रहा है।
और इतनी बड़ी ट्रेजडी कैसे हुई? मौसी पहली बार पिज्जा खाया। तो फाइनली गाइस पिज्जा भी खा लिया। अब मौसी के साथ बहुत बड़ी ट्रेजडी आज हो गई है। अभी नहीं बता सकते कौन सी ट्रेजडी हुई क्योंकि अभी हम लोग को टेंशन में, पहले वो चीज़ मिल जाए उसके बाद बताएंगे आपको कि कौन सी ट्रेजडी आज हुई है खतरनाक वाली। अभी तो हंसी आ रही, पहले मिल जाए वो सामान फिर पता लगेगा। मौसी का पूरा फेस उतर गया। गाइस आप देख सकते हैं मौसी अभी बहुत टेंशन में है। एक तरफ से हम लोग मॉल में घूमने आए थे और मौसी को इतनी बड़ी टेंशन हो गई है। आपको आगे बताएंगे हम लोग कौन सी प्रॉब्लम हुई हमारे साथ मॉल में अभी। तो फाइनली गाइस आपको हम बता देते हैं कि हमारे साथ कौन सी ट्रेजडी हुई थी। एक्चुअली मौसी का वॉलेट गिर गया था और जो कि मिलना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो उनके लॉक स्टोर में गिर गया था। और अभी हमने मौसी को दिखाया नहीं है, उसके बाद मौसी का रिएक्शन देखेंगे कि उनको कैसा लगता है। अभी दिखाते हैं आपको, ये वॉलेट उनका गिर गया था, बहुत गंदा भी हो गया। तो चलो फाइनली अभी हम लोग मॉल से बाहर आ गए। अब जाकर मुझे हंसी आ रही है, मौसी का पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा हैवी हो गया क्योंकि मौसी ने अपना वॉलेट गिरा दिया था। मौसी ने सोचा वॉलेट नहीं मिलेगा, चलो बड़ी मुश्किल से मिल गया है। वो वाला सदमा लग गया है पिज़्ज़ा खाने के बाद वाला। तो फिर अब निकलते हैं, अब देखते हैं गाड़ी अगर मिल जाए हमें, काफ़ी लेट भी हो गया है। फाइनली अभी हम लोग घर पे पहुंच गए और अभी हो रहे रात के 9। अभी खाना नहीं बना है, फटाफट से खाना बना लेते हैं। मार्केट से हम लोग से पिज्ज़ा खाकर आए, आगे कुछ खाना था बट वॉलेट गिर गया तब तक, इसलिए हमने कुछ खाया नहीं। और मौसी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी तो अभी चाउमीन घर पे लेकर आई हूँ। फटाफट से चाउमीन बना लेते हैं, बॉयल तो कर दिया, थोड़ा बहुत मौसी का रिएक्शन भी देख लेते हैं उनको वॉलेट गिरने में कैसा लगा, कैसा फील हुआ है। तेरी मम्मी का वॉलेट गिर गया, कैसा फील हुआ? मुझे तो पहले तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे वॉलेट में कुछ था ही नहीं। अच्छा, मेरे वॉलेट में कुछ था ही नहीं। अच्छा, और फिर जब याद आए कि है उसमें कुछ, मैंने तो कुछ लिया ही नहीं, तो इसलिए मुझे बाद में बहुत दुख हुआ। और खुशी भी हुई कि पहले पहली बार मॉल में घूमने गई थी। पिज्जा खाया, पिज्जा भी पहली बार खाया था। हाँ। तो थोड़ी खुशी हुई, थोड़ा दुख हुआ। दोनों चीज मिक्स, खुशी और दुख एक साथ मिक्स हो गया। और अच्छा तो ये हुआ कि बाद में मेरा वॉलेट मिल गया। हाँ। और सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, अब पिज्जा भी खा लिया, पिज्जा भी खा लिया, मॉल में भी घूम गए, मॉल में भी घूम गया। इसने अपना सर ब्लैंकेट से ढका दिया। अब सिट्टू से पूछते हैं उसके मम्मी का वॉलेट गिरने का रिएक्शन बता। मुझे तो बहुत खुशी हुई। तेरी मम्मी का वॉलेट गिर गया? हाँ। बहुत ज्यादा हंसी है इस बार, मेरी मम्मी रोने लगी। थोड़ा सीरियस होना पड़ा। ना ना, सीरियसली अगर फारी जानता था अम्मी लानी था अच्छा। तो फाइनली मैं और मेरी दीदी बनाने लगे चाउमीन। यहाँ पे सारा सामान, और मम्मी उधर सो रखी है कमरे में। मेरी मम्मी को बस खाने के लिए चाहिए होता है, है ना, बस। और सोने के लिए चाहिए होता है। तो अभी हम लोग बना रहे चाउमीन और मेरी मौसी यहाँ पे सो रखी है क्योंकि इनको आदत पड़ी हुई है घर की। घर पे हमेशा मौसा जी खाना बनाते हैं और मौसी का मौसा जी बनाते हैं सुबह की चाय, नाश्ता, खाना, सब कुछ। और आप देख सकते हैं सिट्टू के फेस से साफ लग रहा है कि इसके पापा खाना बनाते हैं, हमेशा लग रहा है क्योंकि वो इतनी चुप हो रखी है, उसको पता है कि हाँ पापा खाना बनाते। सिट्टू इधर आना,
तो मम्मी अब बताओ, अब इस चाउमीन खाने के बाद क्या प्लान है? चाउमीन खाने के बाद फिलहाल तो हम आराम करेंगे, फिर कल सुबह उठ के हमें फिर मार्केट जाना है और कुछ सामान खरीदारी करनी है, उसके बाद हमें परसों और हमें चोर बाजार में जाना है। चोर बाजार में नहीं गाइस, ये तो गलत बात है, क्योंकि चोर बाजार तो दिल्ली में है, वो तो देहरादून में है नहीं। तो जैसे आपने देखा, मेरी मौसी ने आज मॉल में अपना पर्स गिरा दिया था, क्योंकि उनको पता है मॉल में अगर कुछ खरीदेंगे तो पैसे ज्यादा वेस्ट होंगे। अब कल उनका चोर बाजार में बिल्कुल भी पर्स चोरी नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इतना सस्ता सस्ता सामान मिलता है, और चोर बाजार से वो सामान लाएंगे, बट मॉल से उन्होंने जानबूझ के पर्स गिराया, उनको पता था लास्ट में मिलना ही है। यहाँ हमारी चाउमीन तैयार हो रही है। हे गाइस, फाइनली हमारी चाउमीन रेडी हो चुकी है और बस अब खाने की देरी है। खाते हैं अब चाउमीन। दोस्तों फाइनली हमारी चाउमीन रेडी हो चुकी है और सब खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और भाई कैसी हो रही है चाउमीन? ये तो चुपचाप हो रखा है, इतना मुंह ही नहीं दिखाना चाहता व्लॉग में। तो फाइनली अभी हम लोग का खाना पीना हो गया, अभी हो रहे रात के 12, काफी लेट हो गया, हम लोग अभी तक सोए नहीं क्योंकि अभी तक मौसी की गप्पे चल रही थी किस तरीके से हमने पर्स गिराया। तो अभी बस सोने की तैयारी है। आप लोगों से हम लोग मिलते हैं कल मॉर्निंग में एक नई वीडियो नई ब्लॉग के साथ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। अगर आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे से आप लोगों को जो भी खास खास वीडियोज़ रहेगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं कल मॉर्निंग में एक नई वीडियो नई ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, नमस्कार। तो इन दोनों को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बाय गाइस, बाय, कल सुबह मिलेंगे आपको दूसरा पर्स खोते हुए।